किसी भी जगह का अनकहा कानून वहां का समाज तय करता है और यहाँ के समाज में आज भी किसी लड़का लड़की का साथ घूमना तभी सही है जब वो पति पत्नी हो। बिना किसी रिश्ते के साथ घूमने वाली ऐसी दोस्ती का चलन नहीं है यहाँ पर। अंदर चलो। ये दोनों पति पत्नी नहीं है? महादेव की लीला, महादेव जाने। राहुल? यस मॉम। तुम दिन भर कहाँ थे? ना फोन ना कुछ, कहाँ चला गया था तू? एक्चुअली आई एम सॉरी राहुल, कहीं दूर जाना था तो बता के जाते, ऐसे बिना बताए कहाँ गायब हो गया था तू? आई एम सो सॉरी डैड, मेरे जाने के वैसे कोई प्लान्स थे नहीं, पर अचानक से इमरजेंसी आ गई तो आपको बिना बताए मुझे मुंबई जाना पड़ा। मुंबई? तुम भी मुंबई गए थे और मौली भी? तो अब जस्ट वन सेकंड, एक सेकंड, मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखिए, वहाँ एक डॉक्टर खुराना करके एक सर्जन था, इतना सब कुछ हो गया, तूने अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लिया, मुझे बताया ही नहीं। मुझे एक बार बता देती तो तेरी हेल्प कर देता ना। पापा, आपने ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ किया। तू कैसी बातें कर रही है मौली, ये कोई एहसान नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। तू मेरी बेटी है, लेकिन इतना सब कुछ तूने अकेले बताना चाहिए था। राहुल, तूने मुंबई जाकर डॉक्टर खुराना को मजा चखाया। वेल डन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक्स सर। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, शाबाश। मानस और मौली की शादी लीगली टूट चुकी है, अनलमेंट हो चुका है, वो लोग दोनों पति पत्नी है नहीं। पापा, आप कुछ सोच रहे हैं ना? मौली तो थक गई होगी, जाके आराम कर, बाद में बात करते हैं। रुक जाओ मौली। अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो। अकू, ये क्या बोल रहा है तू? बाहर वालों को बाहर का रास्ता दिखा रहा हूं, जब ये इस घर की बहू रही नहीं तो इस घर में भी नहीं रह सकती। अकू, तू मेरी बहू से ऐसे बात नहीं कर सकता। हाँ, कि बहू? जब इसका और मानस का रिश्ता ही नहीं रहा तो ये आपकी बहू कैसे रही? पर तुम, असलियत खुल गई तो चेहरे का रंग उड़ गया। यही सोच रही हो ना कि हमें तुम्हारी और मानस की शादी टूटने की बात कैसे पता चली? आए थे कुछ लोग हम पे कीचड़ उछाल ले, तुम्हारी वजह से आज एक सुना के कहे गल 10 सुना के जाएंगे। ऐसे मैं अपनी मिनी के लिए रिश्ता कैसे ढूंढूंगा? कैसे ढूंढूंगा? कौन करेगा इस घर में शादी? और मौली, तुम, जब तुम इस परिवार का हिस्सा ही नहीं थी तो इस घर में हिस्सा मांगने की हिम्मत कहां से आई तुम्हारी?
अक्कू, मौली मौली ने रिश्ता नहीं तोड़ा है, मानस ने तोड़ा है। और मेरी बहू बनने से पहले वो मेरी बेटी है। फिर तूने अपनी बेटी की जिंदगी खराब क्यों की? तू जानता था ना कि मानस किसी और को पसंद करता है, तो मौली की शादी मानस से क्यों करवाई? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि तुझे लगता था कि तेरे बेटे मानस के लिए मौली सबसे बेस्ट है। इसमें भी तूने अपना स्वार्थ देखा, तूने अपनी मनमानी की। नहीं ताऊ जी, पापा ने मेरी लाइफ खराब नहीं की बल्कि बनाई है। और शादी से पहले भी उन्होंने मुझसे और मानस से दोनों से पूछा था, हम दोनों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा था ताऊ जी। पापा तो बस यही चाहते थे कि मैं उनके परिवार में ही रहूं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं ताऊ जी। मौली, थोड़ा अपने बारे में भी सोच के स्ट्रेस ले लो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आशना की वजह से मेरी यह हालत हो जाएगी। इतना सब कुछ हो गया मानस, एक फोन तो कर देता मुझे। कैसे करता डैड, फोन करके आपको क्या बताता कि जिस आशना के लिए मैंने घर छोड़ दी, आप लोगों को छोड़ दी, वही मुझे धोखा देकर छोड़कर चली गई। सिर्फ धोखा नहीं दिया उसने, मुझे फ्रॉड किया मेरे साथ। मेरे नाम पे लोन लिया उसने, बिजनेस लोन, और उसके बाद हर जगह मुझे गारंटर बनाकर She just left. चले गई, वो सारे पैसे लेके शहर छोड़ के चले गए। और ये लोन के वसूली वाले, this bogus, they're after me. इन्होंने गुंडे भेज के मुझ पे अटैक करवाए, उसके बाद जाके पुलिस कंप्लेन कर दी कि मैं इनके पैसे वापस नहीं कर रहा हूं, तो पुलिस मुझे यहां ले आई। मानस, पैसे चाहिए थे तो मुझसे ले लेते। नहीं डैड, आप मेरी वजह से कितना परेशान थे, मैंने कितना गलत किया आपके साथ, और इन गलतियों के बाद मैं आपसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई मुझमें। Let it be, डैड, ये सब मेरी गलती है, it's all my fault, और मुझे अपनी गलतियों की सजा मिल रही है, मैं डिजर्व करता हूँ ये। कोई बात नहीं मानस, गलतियां सबसे होती हैं। तेरे पापा ने, मैंने, हम चारों भाइयों ने जवानी में बहुत गलतियां की, पर जरूरी बात यह है कि गलती दोहराई ना जाए, उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। तुझे अपनी गलती का एहसास है, इससे तुझे सीख भी मिल गई है और सजा भी। मौली, यू नो, अगर इंसान ठान लेना कि कुछ करना है तो यूनिवर्स उसे जरूर सपोर्ट करता है, पर सिर्फ तब जब वो खुद अपने आप को सपोर्ट करे। देखो, तुमने मंगलसूत्र तोड़ दिया, गुड, वेरी गुड, बट अब दादी ब्रो जो है वो तुम्हें वापस मानस के पास भेज रही है। मौली, तुम्हें उन्हें नो बोलना होगा, तुम्हें दादी ब्रो को समझाना होगा कि तुम एक ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती जो ना ही तुम्हारी वैल्यू करता है और ना ही तुम्हें डिजर्व करता। स्टैंड तो लेना पड़ेगा मौली, सीरियसली। देखो, मिनी के लिए तुमने स्टैंड लिया था, विक्की से लड़ लिया तुमने, और फैमिली में सबका ओपिनियन चेंज कर लिया तुमने। मौली, अब वक्त आ गया है अपने आप के लिए कुछ करने के लिए। जस्ट गो फॉर इट, सीरियसली। मौली, शादी उससे नहीं करनी चाहिए जिससे देख के फीलिंग आए कि हाँ, इसके साथ मैं अपनी लाइफ बिता सकती हूँ। नो, शादी उससे की जाती है
जिसे देख के फीलिंग आए कि बॉस नो, इसके बिना मैं लाइफ जी ही नहीं सकती, सीरियसली, एंड आई एम डेड श्योर मौली तुम्हारी लाइफ में ऐसा डिजर्विंग लाइफ पार्टनर जरूर आएगा, क्योंकि मौली सच में तुम ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो तुम्हें बहुत बहुत प्यार करेगा, जो हमेशा सुबह उठते ही गॉड को तुम्हारे लिए थैंक यू बोलेगा। तुम सुन भी रही हो मैं क्या बोल रहा हूं? मौली, तुम्हें अपने आप के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तुम जो कह रहे हो मैं समझ रही हूं राहुल। आई नो मानस लाइफ में मूव ऑन कर चुका है और अब मुझे भी मूव ऑन करना है, और मैं सबसे पहले इन सबके बारे में पापा को बताने गई थी, पर फिलहाल पापा घर पे नहीं है इसलिए। हाँ ठीक है, तो दादी ब्रो से बात कर लो। I mean, come on. End of the day, तो उनकी ही चलती है ना घर में। जानकी माँ को समझाना इतना आसान नहीं है राहुल। मैं साथ चलता हूँ। तुम तो रहने दो, ये लो चाय पियो। राहुल, मौली, मौली, चल, चल, इधर आ, इधर आ। आओ, जल्दी आओ। तुमने हाथ क्यों जला दिया अपना? राहुल, राहुल, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। मौली, जस्ट बिकॉज तुम एक डॉक्टर हो इसका मतलब ये नहीं कि अगर गर्म चाय तुम्हारे हाथ पे गिरेगी तो तुम्हारा हाथ जलेगा नहीं। कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन। मौली, तुम प्लीज जाओ यहाँ से राहुल। मौली, बट प्लीज। ठीक, जा रहा। क्या हुआ? राहुल को आई लव यू बोलने की जगह भगा क्यों दिया? मैं प्यार नहीं करती राहुल से, वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है, एक अच्छा दोस्त बस, और मैं इस बारे में बहुत श्योर हूं, मैं राहुल से प्यार नहीं करती हूं। अभी मेरा बस एक ही फोकस है, पापा को मानस के साथ अपने रिश्ते का सच बताना, और मैंने जो उनसे प्रॉमिस किया था परिवार से माफी दिलवाने का, उसे पूरा करना। फिलहाल मेरा बस यही मकसद है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।